हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है, आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो हमने लूप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है उसी के अंदर कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे होते हैं ब्रेक एंड कॉन्टिन्यू। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, हमारे कीवर्ड होते हैं पाइथन के अंदर। जब हमने कीवर्ड की बात की थी तो वहां पर आपने देखा होगा हमने एक ब्रेक कीवर्ड को भी लिया था और एक कॉन्टिन्यू कीवर्ड भी था। तो ये दोनों कीवर्ड क्या काम करते हैं इसको आज हम पढ़ने वाले हैं, और ये लूप के अंदर किस प्रकार से यूज किए जाते हैं और किस प्रकार से ये लूप को इफेक्ट करते हैं, सभी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ब्रेक होता है, ब्रेक का सिंपल सा अगर आप यहाँ पर मतलब समझते हैं तो इसका काम होता है सिर्फ तोड़ना, यानी कि ब्रेक करना, रोक देना किसी भी चीज को। और कंटिन्यू का मतलब होता है कि वो प्रोसेस लगातार चलता रहना चाहिए, यानी कंटिन्यू रहना चाहिए, लगातार रहना चाहिए। तो यही सिंपल सा काम होता है, एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा ब्रेक, ब्रेक का एक्चुअली में क्या काम होता है, द ब्रेक कमांड अलाउ यू टू टर्मिनेट एंड एग्जिट अ लूप। यानी कि जो हमारी ब्रेक कमांड होती है, अगर आप अपने लूप के अंदर ब्रेक कीवर्ड को यूज करते हैं तो उस कंडीशन पे ये क्या करता है, आपके लूप को टर्मिनेट कर देता है और एग्जिट कर देता है। यानी कि टर्मिनेट एंड एग्जिट कहने का क्या मतलब है कि रोक देता है, वहीं से आपको अपने लूप, आपके लूप से बाहर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या करना है, 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स को प्रिंट करना है, या फिर आप ले सकते हैं 10 तक के नंबर्स को प्रिंट करना है, लेकिन आपने बीच में अपने लूप को टर्मिनेट करना चाहा तो उस कंडीशन पे अगर आप ब्रेक कीवर्ड को यूज करते हैं तो उस कंडीशन पे क्या होगा, वहीं से आपका लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। हमने देखा यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स को तो प्रिंट करना है, लेकिन हम चाहते हैं 1 से लेकर 3 तक के नंबर्स ही प्रिंट हो, उसके आगे की जो वैल्यूज है वो कभी प्रिंट ही ना हो, तो उस कंडीशन पे हम क्या कर देंगे, उसको ब्रेक कर देंगे। तो इसको हम एक प्रोग्राम से समझने वाले हैं, फिर उसके बाद इसको हम ड्राई रन भी करके समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, और यहाँ पर करने क्या वाले हैं, हमें यहाँ पर नंबर प्रिंट करना है, 1 to 9 हम ले लेते हैं, 10 नहीं लेते हैं, या फिर आप 10 भी रख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक आई नेम का वेरिएबल बनाते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू हमारी 1 होने वाली है। व्हाइल लूप के अंदर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से जो हमारी कंडीशन होगी, जब तक हमारे आई की वैल्यू लेस देन होती है किसके, जो हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है, 9, क्योंकि 9 तक ही हमें चाहिए, तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली वैल्यूज दे दी। अगर आप रन टाइम में वैल्यू को इनपुट लेना चाहते हैं यूजर के जरिए तो आप यहाँ पर ले सकते हैं, उसको भी अभी हम लेकर के बताएंगे। और इसके बाद कॉलन लगाया, फिर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सिंपल साइज को हमने प्रिंट कर दिया, प्रिंट किसको कर दिया, आई को प्रिंट कर दिया, यानी जो भी हमारा नंबर होगा उसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। उसके बाद हम बाय वन वैल्यू को अपडेट भी करते रहेंगे, जैसे हमने सिंपल सा देखा था, ये सेम प्रोग्राम वैसे ही लिखा हुआ है, जैसे हम 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स को प्रिंट करते थे, सेम वैसे ही है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 1 से लेकर 8 तक के नंबर्स हमारे क्या हो गए हैं, प्रिंट हो गए हैं। अगर हमें 9 तक के चाहिए तो यहाँ पर हमें 10 करना होगा, क्योंकि जैसे ही 10 होगा वैसे ही हमारा जो लूप होगा वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 9 तक के जो हमारे नंबर्स हैं वो क्या हो चुके हैं, प्रिंट हो चुके हैं। अगर 10 तक प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर आप लेस देन इक्वल कर सकते हैं, या फिर इसकी वैल्यू को आप 11 कर सकते हैं, तो उस कंडीशन पे जो हमारे नंबर होंगे वो 10 तक टोटल यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, अपने ब्रेक कीवर्ड को यूज करना चाहते हैं, यहाँ से हमने सिंपल सा क्या कर दिया, 9 कर दिया, और इसके बाद, या फिर 10 ही रख लेते हैं यहाँ पर। और इसके बाद हमें करना क्या है, जब भी हम ब्रेक कीवर्ड को यूज करते हैं तो हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारा नंबर क्या होता है यहाँ पर 3 के इक्वल होता है, वैसे ही जो हमारा लूप है वो टर्मिनेट कर जाना चाहिए, यानी कि हम अपने लूप से एग्जिट हो जाएं, बाहर हो जाएं। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जैसे हमने यहाँ पर प्रिंट किया, इसके जस्ट बाद हमें एक इफ की कंडीशन देने वाले हैं। जैसे हमने पढ़ रखा है इफ की कंडीशन को, हम चाहते हैं जैसे आई की वैल्यू इक्वल इक्वल किसके हो जाती है, 3 के हो जाती है, ये नंबर हमारा मिलेगा 1 से 9 तक के बीच में, हमारा 3 तो आता ही है, ये पता होना चाहिए। जैसे ही 3 के इक्वल होती है उस कंडीशन पे हम क्या कर जाएं, यहाँ से ब्रेक कर जाएं। तो यहाँ से ब्रेक कीवर्ड को हमने लिख दिया, और यहाँ से हम कॉलन लगा देंगे, और इसको यहाँ पर इंडेंटेशन आपको एरर मिलेगा अगर आप देखते हैं तो, इसलिए आपको इस एरर से बचने के लिए आपको प्रॉपर स्पेस को देना होगा। उसके बाद यहाँ से हमने रन किया, रन करने के बाद अगर आप देखते हैं
तो 1 से लेकर के 3 तक के नंबर से सिर्फ प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन हमने क्या दिया था कंडीशन के अंदर, 1 से लेकर के 9 तक के नंबर्स हमारे प्रिंट होने चाहिए, जैसे 10 आए उस कंडीशन पे एग्जिट होना चाहिए। लेकिन जो हमारा ब्रेक कीवर्ड था, इसने क्या किया, जैसे ही हमारी आई की वैल्यू नंबर हमारा जैसे ही 3 के इक्वल हुआ, वैसे ही इसने क्या कर दिया, इस लूप से बाहर कर दिया। अब मान लीजिए 1 से लेकर के 99 तक के नंबर्स को आपको प्रिंट कराना है, आप चाहते हैं कि जैसे ही जो हमारी आई की वैल्यू है क्या होती है, यहाँ से 25 के इक्वल होती है, उस कंडीशन पे क्या हो जाना चाहिए, ब्रेक हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही 25 हुआ, उसके बाद के नंबर्स यहाँ पर कभी प्रिंट ही नहीं हुए, लेकिन हमने कंडीशन के अंदर 99 तक के नंबर्स को प्रिंट करने के लिए दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या यूज किया हुआ है, ब्रेक कीवर्ड को यूज किया हुआ है। इसको हम थोड़ा सा ड्राई रन करने वाले हैं। ड्राई रन किस नंबर के लिए हम करने वाले हैं, यहाँ से 6 तक के लिए हम करने वाले हैं, और यहाँ पर हम कंडीशन क्या देने वाले हैं, 3 देने वाले हैं। तो एक छोटे से नंबर को हम लेकर के यहाँ पर ड्राई रन करने वाले हैं, तो यहाँ पर सिर्फ हमारे 1, 2 और 3 नंबर्स ही प्रिंट होंगे, 6 तक के नंबर्स प्रिंट नहीं होंगे। तो इसको हम एक बार ड्राई रन करके समझते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया है, जो हमारी आई है, आई की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू हमने क्या लिया हुआ है, 1 लिया हुआ है। आई कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर कोई एक नंबर है जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, हमें क्या करना है, यहाँ से 1 से लेकर के 5 तक के नंबर्स को प्रिंट करवाना है, जैसे ही 6 हो वैसे क्या हो जाए, हम एग्जिट हो जाए। लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है, हम ब्रेक कीवर्ड को यूज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, इसको आपको ध्यान से समझना है। मान लेते हैं कि i की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 1 है, फिर कंडीशन यहाँ पर हम चेक करेंगे, क्या जो i है ये लेस देन 6 के है, तो यहाँ पर i की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन 6 के है, तो कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू हुई, उसके बाद हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। प्रिंट क्या करेंगे, अपनी i को प्रिंट करेंगे, तो यहाँ से प्रिंट क्या हो जाएगा, 1 हमारा प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि i की वैल्यू 1 थी, 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर इफ कंडीशन लगी हुई है, इफ कंडीशन के अंदर आएंगे, क्या आई इक्वल इक्वल 3 के है, आई की वैल्यू जो है हमारे वो क्या है, यहाँ पर 1 है, 1 इक्वल इक्वल 3 है, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। इफ की जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, हम कभी ब्रेक होंगे ही नहीं, हम यहाँ पर आ जाएंगे अपनी आई की वैल्यू को अपडेट करने के लिए डायरेक्टली, यानी कि इफ की कंडीशन जब ट्रू होगी तभी हम क्या होंगे, ब्रेक होंगे, अदरवाइज हम ब्रेक नहीं होंगे। तो यहाँ से i की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, बाई 1 अपडेट कर देंगे। अपडेट होने के बाद i की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी। 2 जैसे ही हुई, उसके बाद फिर से कंडीशन चेक करेंगे, i की वैल्यू अब क्या है, 2 लेस देन 6 के है, तो ये भी कंडीशन हमारी ट्रू हुई, जो 2 है वो 6 से छोटा है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, सबसे पहले हम प्रिंट कर देंगे, जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई प्रिंट क्या कर दिया, 2 को भी प्रिंट कर दिया यानी आई को। उसके बाद इफ कंडीशन को चेक करेंगे, आई इक्वल इक्वल 3 के है, तो आई की वैल्यू हमारे 2 है, 2 इक्वल इक्वल 3 के है, तो कंडीशन हमारी फॉल्स हुई। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, हम डायरेक्टली अपने इफ स्टेटमेंट से बाहर आ जाएंगे। बाहर कहाँ पर आ जाएंगे, हम यहाँ पर बाई 1 वैल्यू को अपडेट कर देंगे आई की। तो आई की वैल्यू अब अपडेट होकर के क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, इससे पहले 2 हुई थी, अब क्या हो गई, 3 हो गई। कंडीशन चेक करेंगे, 3 लेस देन 6 की है, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू हुई, उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, किसको, अपनी आई को, तो 3 भी हमारा यहाँ पर प्रिंट हो गया। लेकिन उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इफ की कंडीशन के अंदर आएंगे, आई की वैल्यू 3 है, 3 इक्वल इक्वल क्या है, 3 के है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब जैसे ही हमारी इफ की कंडीशन ट्रू हुई, वैसे हम क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, यानी पूरे कोड से हम डायरेक्टली बाहर आ जाएंगे, और इसके बाद व्हाइल लूप कभी एग्जीक्यूट ही नहीं किया जाएगा। तो उस कंडीशन पे हमें सिर्फ 1 से लेकर के 3 तक के नंबर्स ही क्या होंगे, प्रिंट में मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा ब्रेक कीवर्ड होता है वो वर्क करता है, सेम इसी प्रकार से ये फॉर लूप के अंदर भी वर्क करता है। जैसे यहाँ पर आपने व्हाइल लूप के अंदर देखा, फॉर लूप के अंदर भी हम इसको यूज करके देखने वाले हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यू कीवर्ड। अब देखते हैं कि कॉन्टिन्यू जो कीवर्ड होता है ये किस प्रकार से वर्क करता है। सभी चीजों को हम यहाँ से इरेज करने वाले हैं। ब्रेक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप फिर से वीडियो को वॉच करेंगे एक बार, ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएं। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने यहाँ पर आपको समझा रखा है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यू कीवर्ड। कॉन्टिन्यू कीवर्ड किस प्रकार से वर्क करता है इसको हम समझने वाले हैं। इसका अगर हिंदी में मतलब समझते हैं तो क्या मतलब होता है, लगातार होता है, यानी जो चीजें क्या होती रहती हैं, चलती रहती हैं, कंटिन्यू रहती हैं।
लेकिन यहाँ पर कैसे काम होता है, कॉन्टिन्यू तो रहता है लेकिन किस प्रकार से वर्क करता है। द कॉन्टिन्यू कीवर्ड इज यूज टू एंड द करंट इटरेशन इन अ लूप एंड कॉन्टिन्यूअस टू द नेक्स्ट इटरेशन। इसका काम क्या होता है, आपने मान लीजिए कोई इफ की कंडीशन दे दी बीच में, यानी कि आपने क्या किया हुआ है, आपको 1 से लेकर के 6 तक के नंबर्स को प्रिंट करवाना है, लेकिन पार्टिकुलर अगर आप किसी इसमें से 1 से लेकर के 6 के बीच के पार्टिकुलर किसी एक नंबर्स को आप प्रिंट ही नहीं करवाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन पे इफ के अंदर आप क्या दे सकते हैं, जैसे ब्रेक के अंदर हमने कंडीशन दिया था, तो यहां पर मान लीजिए आई इक्वल इक्वल आपने क्या कर दिया, यहां पर 3 कर दिया, यानी कि 3 को आपको प्रिंट नहीं करवाना है, बाकी के सभी यहाँ पर नंबर्स क्या होने चाहिए, प्रिंट होने चाहिए, जैसे 1, 2, लेकिन 3 नहीं प्रिंट होना चाहिए। तो उस कंडीशन पे आप किसका यूज करेंगे, कॉन्टिन्यू का यूज करेंगे, 3 नहीं प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा, 5, इसके बाद 1, यहाँ पर 1 अगर आप आई लेस देन 6 रखते हैं तो 1 से लेकर के 5 तक के नंबर्स ही प्रिंट होंगे, लेकिन आप उसमें से चाहते हैं पार्टिकुलर कोई टास्क परफॉर्म ही ना हो, यानी 3 प्रिंट ही ना हो, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से 1 से लेकर के 2 तक के नंबर्स तो हमारे प्रिंट हुए, लेकिन उसके बाद चीजें क्या हो गई, कॉन्टिन्यू हो गई, यानी कि 3 को एग्जिट कर दिया गया यहां से, यानी 3 क्या हो गया, यहां से इटरेट हो गया, यानी कि हमारी करंट यहां पर जो लूप थी वो क्या हो गई, करंट का इटरेशन क्या हो गया, यहां से हट गया। उसके बाद क्या हुआ, बाकी की जो चीजें थी वो कॉन्टिन्यू फिर से हो गई, यानी कि 3 को हटा करके फिर से यहां पर जो भी नंबर्स थे वो कॉन्टिन्यूअसली यहां पर प्रिंट हो चुके हैं। तो ये काम किसका होता है, कॉन्टिन्यू कीवर्ड का होता है। अब यहाँ से क्या करने वाले हैं, हम कोड करने वाले हैं अपने कंटिन्यू कीवर्ड को किस प्रकार से यूज करते हैं। तो सबसे पहले इन सभी चीजों को हम यहाँ से हटाने वाले हैं। अब मान लीजिए हमें यहाँ पर क्या करना है, 1 से लेकर के 9 तक के नंबर्स को प्रिंट करना है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, कंडीशन के अंदर क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहले जो आई की स्टार्टिंग वैल्यू देने वाले हैं हम 0 देने वाले हैं। इस बार 0 देते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पर 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मुझे 1 को भी प्रिंट करवाना है। अब व्हाइल लूप के अंदर यहाँ पर हम कंडीशन के अंदर क्या देने वाले हैं, जब तक जो हमारे आई की वैल्यू लेस देन किसके रहती है, यहाँ पर 10 के रहती है, तब तक हमें क्या करना है, नंबर्स को प्रिंट करना है, यानी कि 1 से लेकर के 9 तक के नंबर्स को प्रिंट करना है। उसके बाद हम क्या कर देंगे, उसके बाद हमें यहाँ पर सबसे पहले आई की जो वैल्यू है उसको अपडेट करना होगा, इस कंडीशन पे अपडेट करेंगे बाय 1। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, यहाँ से इफ कंडीशन के अंदर हम क्या देने वाले हैं, जब हमारे आई की वैल्यू इक्वल इक्वल किसके हो जाती है, 3 के हो जाती है, तो उस कंडीशन पे हमें क्या कर देना है, यहाँ पर कॉन्टिन्यू रखना है और क्या करना है, प्रिंट कर देना है किसको, आई को, जो हमारी आई है उसको क्या करना है, प्रिंट करना है। अभी ये चीजें आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन अभी इसको हम ड्राई रन करके आपको समझाएंगे तो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो 1, 2 उसके बाद 4 प्रिंट हुआ है, 3 प्रिंट ही नहीं हुआ है, उसके बाद के सारे नंबर्स प्रिंट हो गए हैं, लेकिन हमें क्या करना हुआ, अगर 3 को भी प्रिंट करवाना हुआ तो उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, यहाँ से इफ कंडीशन को हटाना होगा हमें, यानी कि हम चाहते हैं यहाँ पर 3 ना प्रिंट हो, तो इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ से कंडीशन जो दिया है कि जैसे ही हमारी वैल्यू किसके इक्वल होती है, यहाँ पर 3 के इक्वल होती है, वैसे ही हम क्या हो जाएं, कंटिन्यू हो जाएं, यानी कि 3 को स्किप कर दो, उसके बाद के नंबर्स को प्रिंट कर दो, सिंपल सा इसका मतलब यही होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर हमें, अगर हम यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पर 6 देते हैं एंडिंग वैल्यू, और स्टार्टिंग वैल्यू हमारी 1 होनी चाहिए, 1 से हमारी सारी वैल्यूज स्टार्ट होनी चाहिए, सबसे पहले हमारी कंडीशन चेक होगी, उसके बाद वैल्यू जस्ट अपडेट हो जाएगी, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या रखा था, 0 रखा था, क्योंकि अपडेट होने के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि 0 में अगर आप 1 ऐड करोगे तो 1 हो जाएगी। उसके बाद जो हमारा 1 है, इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 1 इक्वल इक्वल 3 होगा ही नहीं, जैसे ही फॉल्स हो जाएगी हम अपने 1 को प्रिंट कर लेंगे, यानी जो हमारी आई होगी, फिर उसके बाद यहाँ पर वैल्यू क्या है, अपडेटेड है, अपडेटेड वैल्यू क्या हो गई है, हमारी 1 हो गई है, तो 1 यहाँ पर 1 लेस देन 6 के है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, हमारी ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ पर हम वैल्यू को अपडेट कर देंगे, वैल्यू अपडेट होकर के क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्या 2 इक्वल इक्वल 3 के है, कंडीशन फॉल्स होगी, डायरेक्टली हम आकर के प्रिंट कर देंगे वैल्यू को, तो 2 भी हमारा प्रिंट हो जाएगा। फिर हमारी वैल्यू अपडेटेड है, यहाँ पर वैल्यू 2 लेस देन 6 के है, कंडीशन ट्रू हुई, फिर वैल्यू अपडेट होकर के 3 हो गई। अब जैसे ही हमारी आई की वैल्यू
थ्री इक्वल इक्वल थ्री की हुई, वैसे हम क्या हो जाएंगे, कॉन्टिन्यू हो जाएंगे। यानी कि कॉन्टिन्यू होने के बाद ये हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, जस्ट यहाँ पर वाइल लूप के अंदर आ जाएंगे हम। यानी कि ये स्टेटमेंट प्रिंट ही नहीं होगी उस कंडीशन पे, डायरेक्टली वाइल लूप के अंदर आ करके हम वैल्यू को अपडेट करेंगे, उसके बाद फिर कंडीशन चेक करेंगे, फिर प्रिंट करेंगे। इस प्रकार से ये प्रोसेस चलता रहता है। अब मान लीजिए हम यहाँ पर केवल 6 तक के नंबर्स को प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 6 भी प्रिंट हो रहा है। क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या हो रही है, अपडेट हो रही है। अपडेट होने के जस्ट बाद वो प्रिंट हो जा रही है, फिर कंडीशन क्या हो रही है, चेक हो रही है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया है, 6 भी प्रिंट हो गया है। फिर से 6 वाली कंडीशन जब चेक करेंगे तब ये कंडीशन फॉल्स होगी, लेकिन उससे पहले हमारी वैल्यू क्या हो चुकी है, प्रिंट हो चुकी है। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, ड्राई रन करके समझने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाते हैं, और ड्राई रन करने के लिए हम यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो आई की स्टार्टिंग वैल्यू है उसको हमने क्या रखा हुआ है, 0 रखा हुआ है। फिर वाइल के अंदर हमारी कंडीशन है आई इक्वल क्या है, 0 है। वाइल के अंदर की कंडीशन हम देखेंगे, कंडीशन क्या है हमारी, क्या आई लेस देन 6 के है, तो हमें क्या करना है, 1 से लेकर 6 तक के सभी नंबर्स को प्रिंट करवाना है। लेकिन इसमें से हम चाहते हैं जो 3 है वो प्रिंट ही ना हो, बाकी के सभी नंबर्स प्रिंट हो जाएं। यानी 1 प्रिंट होना चाहिए, 2 प्रिंट होना चाहिए, 4, 5, 6 यहाँ तक के नंबर्स प्रिंट होने चाहिए, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर 3 नहीं प्रिंट होना चाहिए। ये कंडीशन है। और हमारी इफ की कंडीशन क्या है, इफ की कंडीशन को भी हम लिख लेते हैं। ये क्या है, इफ के अंदर जो आई है क्या वो इक्वल इक्वल 3 के है, तो इस भी कंडीशन को चेक करेंगे और यहाँ से क्या होगा, हमारा आउटपुट होगा। अब इसको हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होने वाला, आई की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पर 0 लेस देन 6 के है, तो कंडीशन हमारी क्या हुई, ट्रू हुई। जैसे ही ट्रू हुई कंडीशन, वैसे ही हम कहाँ पर आ जाएंगे, अपनी आई की वैल्यू को अपडेट कर देंगे बाय 1। आई की वैल्यू क्या है हमारे, 0 है, तो यहाँ पर 0 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आई की वैल्यू हमारे क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कि आई की वैल्यू अपडेट होने के बाद क्या हो गई, 1 हो गई। इफ के अंदर आएंगे, फिर इफ के अंदर कंडीशन क्या चेक होगी, आई इक्वल इक्वल 3 के है, आई की वैल्यू क्या है, 1, इक्वल इक्वल क्या 3 के है, तो कंडीशन हमारी फॉल्स हुई। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, यहाँ पर इफ वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर हम कहाँ पर आ जाएंगे, डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे किसको, अपने आई को। यानी कि आई हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या है अभी करंट टाइम में, 1 है, तो 1 हमारा क्या हो गया, प्रिंट हो गया। उसके बाद हम क्या हो जाएंगे, यहां से वाइल लूप के अंदर फिर से आएंगे। आई की जो अपडेटेड वैल्यू है, अपडेटेड वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 से 1 हो गई है, तो यहाँ से फिर से कंडीशन को चेक करेंगे, 1 लेस देन 6 की है, कंडीशन ट्रू हुई। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू को अपडेट करेंगे। अब अपडेट होने के बाद 1 से अपडेट होकर के वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। इफ कंडीशन के अंदर आएंगे, क्या आई इक्वल इक्वल 3 के है, 2 इक्वल इक्वल 3 के है, तो ये कभी 2 इक्वल 3 के होगा ही नहीं, तो यहाँ से कंडीशन फॉल्स हुई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, डायरेक्टली हम कहाँ पर जंप कर जाएंगे, अपनी प्रिंट स्टेटमेंट के ऊपर। तो यहाँ से प्रिंट क्या कर लेंगे, 2 को भी प्रिंट कर लेंगे। फिर से ये वैल्यू कहां पर आ जाएगी, आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अपडेट होकर के क्या हो गई है, 2 हो गई है, आई की जो करंट वैल्यू है। तो अब यहां पर जैसे ही आई की वैल्यू यहां पर 2 हुई, उसके बाद हम क्या कर देंगे, यहां से वाइल के अंदर कंडीशन चेक करेंगे, क्या यहां पर जो आई है, यानी कि आई की वैल्यू क्या है, 2 लेस देन यहां पर किसके है, 6 के है, कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। और उसके बाद हम क्या हो जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे और इसकी वैल्यू को बाय 1 अपडेट कर देंगे। अपडेट होने के बाद 2 से अपडेट होकर के वैल्यू क्या हो जाएगी, अब हमारे आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब जैसे ही आई की वैल्यू यहां पर 3 हुई, उसके बाद हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, 3 इक्वल इक्वल 3 के है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई, उस कंडीशन पे हम क्या हो जाएंगे, कंटिन्यू हो जाएंगे। यानी कि वापस से हम अपने वाइल लूप के अंदर चले जाएंगे। तो अपडेटेड वैल्यू हमारी क्या है, 3 है। फिर से हम क्या करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे। अब कंडीशन को चेक करेंगे, अगर आप देखें तो यहाँ से 3 को प्रिंट होने का चांस ही नहीं मिला, यानी डायरेक्टली हम क्या हो गए, यहाँ से स्किप हो गए। अब यहाँ पर क्या कंडीशन चेक होगी, क्या जो 3 है लेस देन 6 के है, तो कंडीशन हमारी ट्रू हुई, 3 जो है 6 से छोटा है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यू को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, तो जो आई की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, अपडेट हो करके यहाँ पर अगर आप देखें तो आई की वैल्यू अपडेट होने के बाद यहाँ पर अब क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। तो उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से इफ की कंडीशन चेक होगी, क्या 4 इक्वल इक्वल यहाँ पर 3 के है, तो ये कंडीशन हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी। अब जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है,
उस कंडीशन पे आपको क्या करना है, यहाँ से डायरेक्टली आपको प्रिंट कर देना है अपनी आई को। अब यहाँ से जैसे ही हमने आई को प्रिंट किया, उस कंडीशन पे यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा, क्योंकि लास्ट अपडेटेड वैल्यू जो है हमारी आई की वो क्या है, 4 है। अब इसके बाद फिर से हम कंडीशन को क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या 4 लेस देन 6 के है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई, जो 4 है वो क्या है, 6 से छोटा है। तो उसके बाद हम क्या कर देंगे, आई की वैल्यू को अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद अब आई की वैल्यू जो है वो क्या हो गई है, यहाँ पर 5 हो गई है। अपडेट होने के बाद क्या हो जाएगी, यहाँ से 5 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक करेंगे क्या 5 इक्वल यहाँ पर 3 के है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, उस कंडीशन पे हम क्या प्रिंट कर देंगे, यहाँ से अपनी आई को प्रिंट कर देंगे, तो यहाँ पर 5 भी प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से आई की जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू है क्या है, 5 है, तो क्या 5 लेस देन 6 के है, यानी कि ये कंडीशन चेक होगी वाइल वाली, तो यहाँ पर ये 5 जो है 6 से छोटा है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 यहाँ पर हम चेक करेंगे, वैल्यू को अपडेट करेंगे। सबसे पहले अपडेट होने के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 से 1 इंक्रीज होकर के 6 हो जाएगी, तो यहाँ पर 6 से इक्वल 3 के है, तो कंडीशन फॉल्स हुई। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, हम क्या करेंगे, आई को प्रिंट कर देंगे, तो यहाँ पर 6 भी प्रिंट हो गया। उसके बाद अब हमारी लास्ट अपडेटेड वैल्यू क्या है, आई की 6 है। अब जैसे ही आई की वैल्यू हमारी क्या हुई, 6 हुई, फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे वाइल के अंदर, तो यहाँ पर क्या 6 लेस देन 6 के है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि जो 6 है ये 6 से छोटा है ही नहीं बल्कि उसके इक्वल है, लेकिन इक्वल की हमने कंडीशन ही नहीं लिखी हुई है। तो यहाँ पर जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, हम अपने वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे और जो हमारा आउटपुट आएगा 1 से लेकर के 6 तक के नंबर्स तो प्रिंट होंगे, लेकिन इसके अंदर 3 कभी प्रिंट ही नहीं होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि था हमारा ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड, किस प्रकार से हम यूज करते हैं पाइथन के अंदर और लूप के अंदर किस प्रकार से यूज किया जाता है, इन सभी चीजों को आज हमने इस टॉपिक के अंदर सीखा। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।